नमस्कार, पाकशाला वाई पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की स्पेशल और बहुत ही ज्यादा टेस्टी सब्जी। बड़े ही आसान तरीके से हम इस सब्जी को बनाएंगे, पर इस सब्जी का टेस्ट है जो आपको होटल और रेस्टोरेंट की सब्जी से ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जी के लिए एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। इस मसाले से ही सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा कप मैंने घर में जमाया हुआ ताजा मलाई वाला दही लिया है। दही को हमें फेंट कर लेना है। अब हम डालेंगे दही में कुछ सूखे मसाले। एक चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच डालेंगे हम दरदरी कुटी हुई सौंफ और दो चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। साथ ही एक चम्मच हम कुटी हुई काली मिर्च को भी ऐड कर देंगे। ये सारे रेगुलर मसाले हैं, इन्हें आप आराम से डाल सकते हैं। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले मिक्स करके इसे थोड़ी देर के रेस्ट करने रखेंगे, जिससे मसाले अच्छे से फूल जाएं। एक पैन में हमें सिर्फ दो छोटे चम्मच ऑयल गरम करना है। ऑयल को चारों तरफ घुमाकर इस प्रकार से पैन में फैला लेना है, जिससे पैन अच्छे से ऑयल से ग्रीस हो जाए और पनीर हमारा ना चिपके। अब हम इसमें पनीर को डालकर धीमी आंच पर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। मैंने 200 ग्राम पनीर को छोटे टुकड़ों में चौकोर कट करके ले लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को इस प्रकार से स्लाइस में कट करके लिया है। धीमी आंच पर इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और अब इसमें 2 पिंच हल्दी पाउडर, 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लास्ट में हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। नमक हम लास्ट में ही डालें और नमक को मिक्स करने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। पनीर और प्याज को फ्राई करने के बाद एक तरफ रखेंगे और एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल और उसे गर्म करेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो मैंने 2 तेज पात, 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। इन सभी खड़े मसालों को गर्म ऑयल में डालकर कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। इन खड़े मसालों के भून जाने के बाद हम आधा कप एकदम बारीक कटी हुई प्याज को ऐड कर देंगे। मैंने 2 बड़ी प्याज को चॉपर से चॉप करके लिया है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज के अच्छे से भुन जाने के बाद डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मिर्च तीखी नहीं होती, पर इनसे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। दोनों को कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे और उसके बाद डालेंगे हम इसमें टोमेटो प्यूरी। 4 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने पीस कर लिया है। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद हमें मसाले को तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल अलग ना होने लगे। मसाले को हम मीडियम टू लो फ्लेम पर एडजस्ट करते हुए भूनेंगे। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही वाला जो मसाला तैयार करके हमने रखा है। दही का मसाला ऐड करते समय हम फ्लेम को धीमा रखेंगे और दही वाले मसाले को डालते ही हम चम्मच से मसाले को चलाएंगे, जिससे दही ना फटे। दही मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरा मसाला गर्म हो जाए, तब तक हमें इसे बस चलाना है। एक बार फिर से मसाले को हमें ऑयल सेपरेट होने तक भूनना है। मसाला जब अच्छे से भून जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्ट की हुई क्रश करके कसूरी मेथी। इसे भी मिला लेंगे मसाले में। कसूरी मेथी डालने से सब्जी में एक बहुत बढ़िया सा फ्लेवर और एक अच्छा सा टेस्ट आता है। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी बढ़िया सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है। ये सब्जी बहुत ज्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने। आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा सा पानी ज्यादा कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार हम नमक को भी ऐड कर देंगे। पनीर को फ्राई करते समय थोड़ा नमक डाला है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सब्जी की ग्रेवी जब पक जाएगी तो बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी और थोड़ी थिक भी हो जाएगी। तब हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर और प्याज और हल्के हाथों से हम पनीर और प्याज को ग्रेवी में मिला लेंगे और उसके बाद धीमी आंच पर कवर करके सब्जी को हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। सब्जी बनकर हमारी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जी हमारी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। सब्जी एकदम कलरफुल, देखने में बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, पर उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट है। इस प्रकार से जब पनीर की सब्जी आप अपने घर पर बनाएंगे तो यकीन मानिए खाने वाले सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और हाँ, घंटी बजाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें।